अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में एक बेडशीट डिज़ाइन लेकर आए हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। देखिए दोस्तों, इस बेडशीट को बनाने के लिए हमें फेविकोल की ज़रूरत पड़ती है और स्केच और इंस्पेक्ट्री और कैंची, और हमने कुछ दफ्ती लिया है, मोटा वाला कागज़ होता है, ये हमारा वेलवेट कपड़ा है, ये हमारा सोफे का कपड़ा है। अब इसे हम आपको एप्पल काटना बताएंगे जो हमने बेडशीट में लगाया है। देखिए इस तरह से पहले हम मोड़ लेंगे इसे, इसके बाद हम निशान लगा लेंगे लगभग 4 इंच का। आप चाहें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसी तरह से भी बना सकते हैं छोटा या बड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम थोड़ा सा गहराई लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे निशान लगाते हुए नीचे तक आएंगे। और नीचे भी थोड़ा सा हमारा गहराई रहेगा जो हमारा एप्पल की तरह दिखे बिल्कुल। इसी तरह निशान को हम लगा लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम इसको काट लेंगे। पहले हम इसे दफ्ती पे ही काट लेंगे। काटने से क्या होता है कि हमारी निशान जो होती है एक बराबर लग जाती है। कपड़े पे हम एक तरह से काट सकते हैं एक साइज का, नहीं तो हमारा छोटा बड़ा हो जाएगा। पहले हम सांचा तैयार कर लेंगे, पत्ती और डंठल और एप्पल काट के रख लेंगे, उसके बाद कपड़े पे काटेंगे। तो देखिए हमारा एप्पल बन चुका है। हम आपको पत्ती बताएंगे बनाना, इस तरह से निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम काट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी पत्ती कट चुकी है और उसमें हम जो डाली लगाएंगे छोटी सी, उसको काटेंगे, थोड़ा हमारा तिरछा में रहेगा, इस तरह से काट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा कट चुका है। अब हम आपको इसे वेलवेट पे काटना बताएंगे। आपके पास अगर सोफे का कपड़ा ना हो तो वेलवेट पे भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारा लुक आएगा बनने के बाद बेडशीट पे। इसी तरह से हम बनाएंगे, तो हम आपको वेलवेट काटना बताएंगे। अगर आपके पास सोफे का कपड़ा ना हो तो वेलवेट भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास सोफे का हो तो भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी, दोनों ही अच्छा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम पहले निशान लगा लेंगे, इस तरह से देखिए हमारा इधर लग चुका है। तो हम आपको काट के दिखा दे रहे हैं, इस तरह से हमें काटना है। निशान लगाने से क्या होता है, हमारा एक साइज का होता है, छोटा बड़ा नहीं होता, सही से कट जाता है। तो देखिए इस तरह से हम निशान लगाकर पत्ती को काट लेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतनी काट लेंगे। ये सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा काट के दिखा रहे हैं कि आप लोग समझ पाएं। अब हम आपको एप्पल काटना बताएंगे। देखिए इस तरह से उल्टी साइड में हमें काटना है, निशान लगाना है, सीधी साइड में नहीं निशान लगाना है। इसको हम काट लेंगे इस तरह से, बिल्कुल निशाने पे काट लेंगे। आप लोग भी बनाएं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा बनने के बाद। आपको पूरी बेडशीट दिखाएंगे, आप लोग देखते रहिए हमारी वीडियो को अंत तक। लास्ट तक हमने कुछ ना कुछ बताया है, आप लोग को समझाया है, तो आप लोग देखते रहिए। अब हम उसकी डाली काट लेंगे, डंठल काट लेंगे उसकी। देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद, पहले सांचा आप तैयार कर लें, उसके बाद निशान लगा कर काट लें तो आसानी होती है, इससे हमारा छोटा बड़ा नहीं होता है। इस वीडियो में हमने आपको पूरा डिज़ाइन बनाना बताया है, किस तरह से हमें कटिंग करना है, किस तरह से लगाना है। देखिए इस तरह से हमें लगाना है,
बेड शीट में किस तरह से हमें लगाना है सब कुछ हमने दिखाया है। तो फ्रेंड्स हम आपको दिखा दे रहे हैं जिस जो हमने खाना बनाया है बेड शीट पे उसको किस तरह से लगाना है। देखिए फ्रेंड्स ये हम 10 इंच का ले रहे हैं, ये सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए छोटा साइज। और आप लोग बेड शीट में कम से कम 7 इंच 8 इंच 9 इंच लगा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। बस मतलब आपको समझाने के लिए ये है कि बेड शीट पे हम किनारे किनारे छोड़ देंगे और इस बीचों बीच हम निशान लगा देंगे इस तरह से। देखिए 2-2 इंच का हम ले रहे हैं। इस तरह से हमें खाना बनाना है बेड शीट में और एक एक खाने में एक एक पल रखना है। हमने आपको शुरू में बेड शीट दिखाया है और लास्ट में भी आपको पूरा बेड शीट दिखाएंगे, तो देखते रहिए आप लोग हमारे वीडियो को। तो देखिए इस तरह से हम पूरे बेड शीट पे निशान लगा लेंगे और एक एक खाने में हम एक एक एप्पल लगाएंगे और जो हमारी निशान है उस पर हम वेलवेट कपड़ा लगाएंगे पट्टी काट के। देखिए एक एक खाने में इस तरह से हम एक एक एप्पल लगाएंगे। ये हमारा निशान छोटा है सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए है, आप लोग बेडशीट में बड़े लगाएं इस तरह से। देखिए एक एक खाने में हम लगाएंगे एप्पल, ये सिर्फ आपको नमूना दिखा दे रहे हैं हम आपको, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग को। तो आप लोग इस तरह से बनाएं, जो हमारी निशान है उस पर हम वेलवेट पे ही लगाएंगे पट्टी, आधा आधा इंच के काट के पूरा लगा लेंगे। पहले हम आप चारों किनारे नहीं लगाएंगे, चार मतलब जितना भी हमारा अंदर है उतना पहले हम लगा लेंगे, उसके बाद किनारे पे लगाएंगे जो हमारी जो किनारे हो वो ढक जाए। तो फ्रेंड्स देखिए फेविकोल से हमको चिपकाना है, चिपकाने के बाद तुरपाई करना है वेलवेट पे, वेलवेट को मतलब चादर पे चिपका लेना, चिपकाने के बाद तुरपाई करना है। जो हमारा पट्टी लगाया हमने उस मशीन से लगाया है। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये पीलो कवर है बेड शीट की। तो देखिए पहले हम इस पे किनारे जो हमारी निशान है उस पे हम वेलवेट लगाएंगे पट्टी काट के, पहले इधर लगा लेंगे इधर इधर किनारे किनारे लगा लेंगे, उसके बाद हमारे दोनों तरफ लगाएंगे, तीनों तरफ लगाने के बाद दोनों तरफ लगाएंगे, पहले बीच में उसके बाद किनारे किनारे। तो देखिए फ्रेंड्स हम पट्टी काट दे रहे हैं, कम से कम आधा इंच का होना चाहिए, उससे कम नहीं थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन कम ना हो, ज़्यादा पतला आ जाएगा तो हमारी सिलाई सही नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से हम पट्टी काट लेंगे और काटने के बाद जो हमारी निशान होती है उसी पे हमको लगाना है, बेड शीट पे भी उसी तरह से लगाना है, पहले हम अंदर लगा लेंगे उसके बाद बाहर लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी लग चुकी कट चुकी है, एक हम और काट दे रहे हैं आपको दिखा दे रहे हैं, जितनी पट्टी हमें लगेगी उतना हमको काट कर रख लेना है। और हम आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी बेड शीट पर मशीन सिलाई मशीन से लगाया है, सिल लिया हमने। तो देखिए पहले इधर लगा लेंगे उसके बाद इधर लगा लेंगे, फिर इधर लगा लेंगे पट्टी, उसके बाद इधर इधर लगा लेंगे हम। देखिए हमारा इस तरह से लग चुका है और हम आपको किनारे पे लगाना बताएंगे और आपको कोना बैठाना बताएंगे किस तरह से हम मतलब कोना बैठाएंगे किस तरह से आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए हमारा जो ये वेलवेट है जो हमारा काटा है पट्टी हमने, इसको इस तरह से रख के थोड़ा सा तिरछा काट लेंगे तो कोना हमारा सही बन जाएगा। आपको थोड़ा नजदीक से दिखा दे रहे हैं, देखिए इस तरह से आप रख लें पहले, उसके बाद आपको हम उसी कटिंग बता दे रहे हैं किस तरह से हम काटना है। देखिए आप बेड शीट पर और पीलो कवर बिल्कुल इस तरह से लगाएंगे तो बहुत ही मतलब इसका कोना होता है जो बहुत ही अच्छा दिखेगा। देखिए इस तरह से रखने के बाद देखिए इस तरह से बिल्कुल बैठ जाएगा। तो इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा, हमने आपको समझाने की बहुत ही कोशिश किया। इधर भी हम इस तरह से बैठा लेंगे और इधर भी चारों कोना हम इस तरह से बैठा लेंगे। देखिए आपको दिखा दे रहे हैं, हमने सील लिया आपको दिखा दे रहे हैं कोना, देखिए बिल्कुल बैठ गया है हमारा। देखिए इस तरह से बेड शीट में भी हमको बनाना है और एक एक खाने में एक एक एप्पल लगाना है जिस तरह हमने खाना। अब बेड शीट में आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं, छोटा बड़ा करने के बाद जितना भी आएगा पूरा एक एक एप्पल लगाना है। तो देखिए हम आप लोग को बेड शीट दिखा दे रहे हैं, देखिए हमारी बेड शीट बन के तैयार हो चुकी है और इसके बाद हम आगे आपको पीलो कवर भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके और आप लोग देख सके हमारी हर नई वीडियो। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी बेड शीट डिज़ाइन एप्पल डिज़ाइन,
कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।